14 दिन और 32 मुकाबलों के बाद आखिरकार वो घड़ी आ चुकी थी जिसका दुनिया भर के कबड्डी फैंस दिल थाम कर इंतजार कर रहे थे। एक्शन और एंटरटेनमेंट का हाई वोल्टेज डोज लेकर आ चुका था 2016 कबड्डी वर्ल्ड कप का ग्रैंड फिनाले। कबड्डी के कोर्ट पर भारत की बादशाहत को लगातार चुनौती दे रही ईरानी टीम एक बार फिर तैयार थी। इस बार लड़ाई एशियन गेम्स की नहीं बल्कि वर्ल्ड चैंपियन बनने की थी। जाहिर है दबाव शुरू से ही दोनों टीमों पर एक बराबर था। धीमी शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत, एक मैच्योर शुरुआत, दोनों तरफ से पहला शिकार मकसूद था। बहुत ही तेज एक खेल देखने को मिलेगा यहां पर। रनिंग हैंड कैच अबोजा। भारत किस तरह से उन्हें बाहर उठाएगा। रनिंग किक का दावा है मेरा शेख का टू टाइपर। दोनों टीमों के बीच एक एक पॉइंट के लिए जंग छिड़ गई थी लेकिन भारत और ईरान के डिफेंस का खाता खुलना अभी भी बाकी था। और जहां तक भारतीय रेडर्स का सवाल है, दूसरी पोजीशन पर टैकल कर लिया, जबरदस्त टाई, जबरदस्त टाई हो। अगर रेड में देखा जाए तो ईरान जरूर थोड़ा सा कमजोर लेकिन डिफेंस में मुकाबले की शुरुआत से ही बड़ी लीड हासिल करने को बेताब दोनों टीमें अपना हर अस्त्र आजमा रही थी। दोनों को पता था वर्ल्ड कप जैसे मेगा स्टेज पर गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है। इस टू पॉइंट रेट के साथ ईरान के पास लीड आ गई। पीकेएल में धूम मचाने वाले ईरानी ऑलराउंडर मेराज ने कमाल दिखाना शुरू किया तो भारतीय टीम पर ऑल आउट का खतरा मंडराने लगा। यहां टैकल करने का प्रयास, सुपर टैकल हो गया। लेकिन दो तीन खासे रेडर्स नहीं है ईरान, ये एक ही चिंता की बात है संजय ईरान के लिए। लेकिन सुपर टैकल का मौका, रनिंग किक, राहुल आउट, मिराज कामयाब। फर्स्ट हाफ के आखिरी मिनटों में मिले इस ऑल आउट ने टीम इंडिया को खासे प्रेशर में ला दिया था। ईरान के पास 4 पॉइंट की लीड आ गई थी। वर्ल्ड कप फाइनल जैसे मैच में ये लीड किसी भी टीम को दबाव में लाने के लिए काफी थी। थ्रिल और सस्पेंस से भरपूर सेकेंड हाफ में सबसे बड़ा सवाल था कि क्या टीम इंडिया कमबैक कर पाएगी। 2014 एशियाड के फाइनल में भारत ने ईरान के खिलाफ पहले हाफ में बड़ी मार्जिन से पिछड़ने के बावजूद गोल्ड मेडल जीता था लेकिन ये मौका एशियाड से भी कहीं बड़ा था। इस वर्ल्ड कप में भारत के सबसे कामयाब खिलाड़ी अजय ठाकुर ने अपने इस ब्लॉकबस्टर रेड के साथ भारत की वापसी के संकेत दे दिए। जहां टीम इंडिया के ज्यादातर रेडर नाकाम हो रहे थे वहां अकेले अजय ठाकुर विश्व विजय की कहानी लिखने में जुट गए। अजय ठाकुर को न रोक पाने की कीमत ईरान को ऑल आउट के साथ चुकानी पड़ी। फजल आत्राचली जानते थे कि एक बार लीड में आ जाने के बाद अनूप कुमार जैसा शातिर कप्तान अपनी टीम को दोबारा आसानी से पिछड़ने नहीं देगा। सब्स्टिट्यूट नितिन तोमर ने ईरान के इस डर को सही साबित किया। मैच के आखिरी मिनटों में मिले इस ऑल आउट ने ईरान की वापसी की उम्मीदें खत्म कर दी थी। टीम इंडिया का एटीट्यूड बता रहा था कि उन्हें चैंपियन बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। एक बार फिर मिराज ने छलांग लगाई, सुरजीत का शॉट।
की थी, एक स्टेटमेंट छोड़ी थी कोरिया के सामने, और ये पॉइंट भी स्टेटमेंट है। अनूप कामयाब, भारत कामयाब। विराट फ्रस्ट्रेट होकर उनको पकड़ना चाहते थे, कोई एक नहीं था। भारत बिल्कुल जीत की तहलीज पर। मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, बहुत छोटे से गांव से हूँ। तो जब मैंने खेलना प्ले करना शुरू किया था, खेलना गांव में शुरू किया था, तो कभी सोचा नहीं था ऐसे कि मैं एक दिन वर्ल्ड कप खेलूंगा या वर्ल्ड कप टीम में सिलेक्ट हो जाऊंगा। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मैं उस प्रदेश से निकल के यहाँ पे आया हूँ। काफ़ी मेहनत भी की उसके लिए हम लोगों ने। स्किल, ताकत, हिम्मत और कभी हार न मानने का जज्बा, अजय ठाकुर की इन्हीं खूबियों ने आज उन्हें कबड्डी के शिखर पर ला खड़ा किया है। जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो सितारों से सजी भारतीय प्लेइंग सेवन में अनुभवी होने के बावजूद अजय ठाकुर की जगह पक्की नहीं लग रही थी। स्टार स्पोर्ट्स ग्रुप कबड्डी सीजन 4 के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अजय ठाकुर की क्षमता पर सवाल भी उठ रहे थे। क्योंकि मेरे थोड़ा नी इंजरी हो गया था, तो काफी मेरी परफॉर्मेंस प्रो कबड्डी में थोड़ा खराब रहा, तो मेरे कोचेज भी थोड़े ऐसे थे कि यार थोड़ा डाउन हुआ है अजय, तो मैं भी खुद मायूस रहता था कि यार मैं वो फॉर्म में नहीं हूँ जो मैं चाहता था, जो मुझे पता है कि जो मेरे में कैपेसिटी है, जो मैं कर सकता हूँ, वो मैं नहीं कर पा रहा था। इसलिए थोड़ा मुझे भी हर्ट होता था कि यार मैं अभी किस मोड़ पे आ गया हूँ, कि कैसा प्लेयर सा कैसा हो गया हूँ। तो इस पर लेकिन वर्ल्ड कप में आने से पहले मैंने काफ़ी मेहनत की थी और इंजरी भी रिकवर है, तो भी फिट हूँ मैं। वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में रिपब्लिक ऑफ कोरिया के खिलाफ भारतीय टीम दबाव में बिखरती दिखी, उम्मीदों का बोझ ज्यादा था और उन्हें उठाने वाले कंधे अनुभव के लिहाज से कमजोर दिख रहे थे। ऐसे में कप्तान अनूप कुमार ने अपने अनुभवी साथी अजय ठाकुर को सब्स्टिट्यूट के तौर पर मैदान में उतारा, लेकिन यहां अजय को सिर्फ एक ही रेट करने का मौका मिला। बोनस लेने का प्रयास जरूर किया, लेकिन बोनस से रिवाइवल नहीं मिलेगा, उन्हें रिवाइवल चाहिए, मिल गया, चैंपियन लीग का जगह। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के खिलाफ भी अजय ठाकुर को बतौर सब्स्टिट्यूट ही मैच में उतारा गया, लेकिन अजय ने अपने दमदार खेल से तहलका मचा दिया और देखते ही देखते अजय टीम के सबसे सफल रेडर बन गए। और यहां डिफेंस का सपोर्ट जरूर आया, लेकिन अजय ठाकुर को रोक ना पाए। टीम के रेड मशीन प्रदीप नरवाल के साथ अजय की ऐसी जोड़ी बनी जिनके खौफ ने विरोधी डिफेंडर्स की नींद उड़ा के रख दी। बांग्लादेश के खिलाफ जीत की इबारत लिखने वाले अजय ठाकुर को अब स्टार्टिंग सेवन में आने से कौन रोक सकता था। अजय ने इस मौके को दोनों हाथों से लपक लिया और उसके बाद खेले हर मैच में सुपर टेन बनाते हुए टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचा दिया। लेकिन अजय का बेस्ट तो अभी आना बाकी था। फाइनल में अपने खतरनाक डिफेंस के लिए मशहूर ईरान के खिलाफ अजय टीम की सबसे बड़ी उम्मीद थे। फर्स्ट हाफ के अंत में ईरान के पास 5 पॉइंट्स की लीड थी। भारतीय रेडर्स एक बार फिर दबाव में बिखरते नजर आ रहे थे। ऐसे में कप्तान अनूप कुमार को एक बार फिर अपने सबसे बड़े मैच विनर की याद आई और अजय ने ना तो अपने कप्तान को निराश किया और ना ही अपने देश को। फाइनल में अजय टीम इंडिया के लिए तुरुप का इक्का साबित हुए। दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस में से एक ईरान के खिलाफ अजय ने 12 रेड पॉइंट्स स्कोर किए। इस पूरे वर्ल्ड कप में अजय ठाकुर ने विरोधी डिफेंडर्स को जितना परेशान किया उतना किसी ने नहीं किया होगा। 7 मैचों में 64 रेड पॉइंट्स लेने वाले अजय ने लगातार 5 मैचों में सुपर 10 रजिस्टर किए। पूरे वर्ल्ड कप में किसी और खिलाड़ी ने इतने ज्यादा पॉइंट हासिल नहीं किए। अजय ठाकुर के टैलेंट का लोहा तो दुनिया मानती है,
लेकिन वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर भारत का ये शेर जिस अंदाज में खेला उसने कबड्डी की दुनिया में टीम इंडिया का रुतबा और बढ़ा दिया।